गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आर्मी कॉलेजेस ऑफ मैनेजमेंट, जो एक्सक्लूसिवली आर्मी वार्ड्स के लिए है। अगर आप आर्मी वार्ड हैं तो आपके लिए हज़ारों और सैकड़ों जो अवसर है वो आपका वेट कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए, जितने भी आर्मी इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका एनवायरनमेंट बहुत सेफ रहता है, फीस रीजनेबल रहती है, और उसके अलावा कैंपस का जो स्टैंडर्ड रहता है वो भी आउटस्टैंडिंग रहता है। हॉस्टल और लैब सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको प्रोवाइड की जाती है, तो आप इन फैसिलिटीज़ को का जो है अवेल कीजिए, अपने आस पड़ोस वालों को और अपने भी जितने जानने वाले हैं उनको भी इन्फॉर्म करिए और इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में उनको बताइए, सो दैट जो है आपके पेरेंट्स की जो हार्ड अर्न मनी है वो प्राइवेट कॉलेजेस में वेस्ट ना हो। तो आज हम बात कर रहे हैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कलकत्ता में सिचुएटेड है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और ये वेस्ट बंगाल की टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो जितने भी आर्मी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो पक्का जो है एकदम पूरे नॉर्म्स के साथ सेटल्ड होते हैं। तो इनके एफिलेशन से रिलेटेड या फिर इनके रिकॉग्निशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट करने का कोई भी गुंजाइश नहीं होता। इसमें MBA कराया जाता है 2 साल का, जिसमें 120 सीटें हैं, जिसमें 96 जो सीट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली जो है आर्मी वार्ड्स के लिए रिजर्व करके रखी हुई है और 24 सीट जो है वो सिविलियंस के लिए है। तो इन 24 सीट्स पे कोई भी जो है आउटसाइडर अदर देन जो आर्मी वार्ड्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये AICTE ISO 9001:2005 के द्वारा भी एक्रीडेटेड है। इसके अलावा रैंक्ड है A333 इन बिजनेस स्कूल की कैटेगरीज में। एडमिशन इसमें कैट एंट्रेंस के थ्रू होता है। कैट आपको पता है कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है जो ऑल ओवर इंडिया एक ही साथ कंडक्ट किया जाता है। तो उस पर आई हुई जो भी आपकी रैंकिंग होती है उसके बेसिस पे मेरिट बनती है और उस मेरिट के बेसिस पे जो है यहाँ पे एडमिशन होता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि बिल्कुल यहाँ पे जो है ना गए गुजरे टाइप के बच्चे आते होंगे। यहाँ पर पूरे जो है फुली प्रिपेयर्ड बच्चे और जो वाकई कैट को निकालने की क्षमता रखते हैं ऐसे बच्चों का यहाँ पे एडमिशन होता है। और ये देख लीजिए, ये अलग अलग प्रकार के वेटेज हैं जो यहाँ पे एडमिशन लेने वाले बच्चों को अगर प्रोवाइड होते हैं तो उनको एडमिशन लेने में और ज़्यादा इजी हो सकता है। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स हैं और इन सब से आपको कितना वेटेज मिल सकता है आपके एडमिशन में, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा वेटेज है तो उसको पक्का मेंशन कीजिए, सो दैट आपका एडमिशन प्रोसीजर और भी ज़्यादा ईजी हो जाए। नेक्स्ट है इसका USP देखते हैं, है ना। तो ये जो मैनेजमेंट कॉलेज है कोलकाता का, ये हर मामले में हर स्फेयर में जो है एक्सीलेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, और ये जो मैनेजमेंट है यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि केवल जो है आपको हैंड ऑन वर्क की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड किया जाता है और इंडस्ट्रीज से जो है कंटिन्यूस यहाँ पे बच्चों का इंट्रैक्शन कराया जाता है। और इसके अलावा इंडस्ट्री सेक्टर में क्या क्या रिसर्च होने हैं या फिर आने वाले टाइम में जो है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है धरातल पे आने वाली हैं, और इन सब से भी जो है बच्चों का कंटिन्यूसली रूबरू कराया जाता है। और जो यहाँ पे आने वाले विजिटिंग फैकल्टीज होते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल होते हैं, जो एक ग्लोबल माइंडसेट के साथ जो है यहाँ के बच्चों का वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि देखिए यहाँ के बच्चों का कंटिन्यूसली जो है बाहर के वर्ल्ड के साथ, बिजनेस वर्ल्ड के साथ और गेस्ट फैकल्टीज के साथ एक्सपोजर होता रहता है। इंस्टीट्यूट को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? इस इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जा रखा है और 2014 में इसको लीडरशिप का अवार्ड भी मिल चुका है और इसको बेस्ट बिजनेस स्कूल अवार्ड बहुत बार मिल चुका है और गोल्डन पिकॉक नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है इस इंस्टीट्यूट को। इसके अलावा यहाँ के जो गवर्निंग बॉडी होती हैं, आपको पता है आर्मी इंस्टीट्यूट के जितने भी गवर्निंग बॉडी होते हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, तो उस हिसाब से देख लीजिए उनका स्टैंडर्ड कैसा रहता होगा, वहाँ पे किस प्रकार का डिसिप्लिन मेंटेन रहता होगा, वहाँ पे जो फैकल्टीज होता है उनका किस प्रकार का रिक्रूटमेंट होता होगा। तो आप इनके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं इनके लेटेस्ट फैकल्टीज के डिटेल जानने के लिए। अदरवाइज इसमें देखिए जो इनके चेयरमैन है वो मेजर जनरल सतबीर सिंह है, सेना मेडल है, ये सारे एक्स ऑफिशियल हैं या फिर एक्स ऑफिसर्स हैं। और इसी प्रकार से जो यहाँ के फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज भी PhD डिग्री से नीचे के नहीं है। तो
तो ये फैकल्टीज का एक ग्लिम्स है आपके स्क्रीन पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल सकती है। तो अगर आपको थॉरली अगर इनके इंस्टीट्यूट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप जो है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको पक्का विजिट करिए। और स्टाफ जो है पक्का डिसिप्लिन ही होता है और एक्सपीरियंस फैकल्टी है। ऐसा नहीं कि किसी ने एमबीए करके जो है यहाँ से पास आउट हो गया उसको तुरंत जो है वहीं पर रिप्लेसमेंट मिल जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज को यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। और ये देख लीजिए कितने हाई स्टैंडर्ड के और कितने ज़्यादा लर्नेड और एक्सपीरियंस फैकल्टीज की पूरी लिस्ट है जो अलग अलग जो है स्ट्रीम्स में बच्चों को एजुकेशन देती है। जनरल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो हर किसी का अपने अपने जो फील्ड है उस फील्ड में एक्सपर्टीज है और तब जाके जो है इन सारे फैकल्टीज का रिक्रूटमेंट होता है। सो दैट स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पे एडमिशन लेता है उनको बेस्ट इन द इंडस्ट्रीज जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। ये नॉन टीचिंग स्टाफ का डिटेल भी है और ये विजिटिंग फैकल्टीज हैं जो टाइम टू टाइम कॉलेज में आके बच्चों को अपने नॉलेज से उनका बेनिफिट करवाते रहते हैं। कैंपस की अगर हम बात कर ले तो 12 एकड़ का वाईफाई से जो है फुली जो है सराउंडेड कैंपस है ये। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है इस हॉस्टल का भी और कैंपस का भी। इको फ्रेंडली कैंपस है, पूरा ग्रीन है। आपको पता होना चाहिए कैंट एरिया जहाँ का भी होता है वो पूरा ग्रीन और जो है अच्छे नीट और क्लीन सराउंडिंग में ही सिचुएटेड होता है। लेक्चर हॉल्स हैं, आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन आपको बिल्कुल हाई एंड जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं उनकी फैसिलिटीज के साथ और लैब भी है इसमें 100 Mbps की स्पीड के साथ और ये कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम अपग्रेड भी होते रहते हैं विद द नीड ऑफ द टाइम। लाइब्रेरी है जिसमें करीबन 12,000 से ज्यादा जो बुक्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं और वो टोटल फ्री ऑफ द कॉस्ट है। आप जब जा के जो है इन पे स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे नियर बाय कमांड हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है। इनकेस अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो जाती है ना, कोई परेशानी हो जाती है तो कलकत्ता में कमांड हॉस्पिटल है, अवेलेबल है बहुत ही बड़े लेवल का, तो वहाँ पर जाके बच्चों का क्योर हो सकता है। मेस में मल्टी कुजीन और बहुत ही हाइजीनिक स्टैंडर्ड का फूड मिलता है। तो बच्चों को खान पान के लिए, उनके फूड और जो है लॉजिंग के लिए पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉमन रूम है विद टीवी जहाँ पर आप टीवी के जरिए अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। यह हॉस्टल का इनसाइड व्यू है, सेपरेट और नीट एंड क्लीन हॉस्टल है बॉयज और गर्ल्स के लिए। जिम्नेजियम भी है जिसमें जो है मेल के लिए अलग जिम्नेजियम है और फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग जिम्नेजियम है। सो दैट जो है बच्चे अगर अपने लेजर टाइम में वर्कआउट करना चाहते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं उनकी फैसिलिटी भी कैंपस के अंदर ही प्रोवाइड की गई है। सो दैट केवल बच्चा जो है पढ़ लिख के ही अपने 3 या 4 साल यहाँ पे स्पेंड ना करे, वो एक्स्ट्रा टाइम में अपने स्टेमिना को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी स्पोर्ट्स को ऑप्ट कर सकता है। कैफेटेरिया है सो दैट बच्चों को इन बिटवीन जो रिसेस टाइम होता है उस टाइम में जो है अपना लेजर टाइम में वो कॉफी वगैरह पे अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा गॉसिप करके अपने मूड को रिलैक्स कर सकता है। और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता भी बाकी इंस्टीट्यूट के जैसे कंटिन्यूस जो है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कराता रहता है। इसमें गेस्ट फैकल्टीज आते हैं देश विदेश से और जो बच्चों को अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से बेनिफिट करवाते हैं। तो ये फीस का इनका जो है पूरा डिटेल है, ये फीस जो है टाइम टू टाइम इन्हांस हो सकती है। तो लेटेस्ट फीस के लिए भी यू कैन अगेन विजिट टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। इसके अलावा यहाँ पर जो एकेडमिक सेमेस्टर है उनका कैलेंडर भी टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया जाता है सो दैट बच्चों को अगर इन बिटवीन कहीं पर कुछ छुट्टी वगैरह लेनी हो तो वो अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो प्लान कर सकता है। नेक्स्ट प्लेसमेंट के लिए देखिए है ना, वर्ल्ड रिनाउंड जो कंपनीज है वो यहाँ की एलुमनाई है, वो इनको प्लेसमेंट ऑफर कराती हैं और प्लेसमेंट भी इन कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाता है और 100% प्लेसमेंट की फैसिलिटी है इस कॉलेज में जो इंडिया एज वेल एज ओवरसीज कंपनीज में प्लेस कराती है। तो इस प्रकार से देखिए आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एड्रेस है डब्ल्यू 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 डॉट ए आई एम डॉट ए सी डॉट
in, और एडिशनल वेबसाइट का जो एड्रेस है वो www.awsel.india.com, और इसका फिजिकल एड्रेस है जजेस कोर्ट रोड अपोजिट अलीपुर टेलीफोन एक्सचेंज अलीपुर कोलकाता 70027, टेलीफोन नंबर है 0332439833537382479449। मिलिट्री नंबर है 6463, और ईमेल अगर आपको करना है तो यहाँ पर ईमेल का आईडी भी दिए रखा है, दैट इज aim_kol@readifmail.com। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल एज शेयर वाओ एजुकेशन। थैंक यू सो मच।